बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे, खुश और खुर्रम होंगे और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे। तो आज हम बना रहे हैं पकोड़े, आलू के पकोड़े, मज़ेदार से मसाले वाले। तो इसके लिए हमने ले लिया है बेसन, इसको छान लिया है। मसालों में हमने अदरक मिर्च ली है, ज़ीरा लिया है, अजवाइन ले ली है, गर्म मसाला है पिसा हुआ, नमक और मिर्चें ले ली हैं और सूखा धनिया इसको क्रश कर लिया है, मोटा मोटा सा कूट लिया है, और चुटकी सोडा भी है हमारे पास। तो ये नमक और मिर्चें जो हैं वो अपने हसब जायका भी ले सकते हैं, जितने आप कम ज़्यादा पसंद करते हैं। और सूखी मेथी हमने ली है। तो अब हम ये क्या करेंगे कि इस बेसन में हम अपने सारे मसाले जो हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास हैं, ये हम मिला देंगे। मेथी भी मिला दी और अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे पहले, फिर इसको पानी से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि खुद ही वीडियो बना रही होती हूँ और एक हाथ से काम कर रही होती हूँ, थोड़ी सी मुश्किल होती है मेरे लिए, लेकिन आप लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और प्लीज़ अब जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आपको बरवक्त मिलती रहें। इसी तरह आपका प्यार चाहिए मुझे। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो फिर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा, बताते रहिएगा, और मैं क्या कर सकती हूँ ये भी बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो ये हमने बना लिया, अब हम इसको पेस्ट बनाते हैं। देखिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है, और ये इतना थिक होना चाहिए कि इसमें अगर आप आलू डुबोएं तो वो उतरे नहीं, ये ऐसा हो। और साथ ही हमने आलू छीलने के बाद अच्छी तरह धो के, तो हमने ऐसे स्लाइसिस में आलू काट लिए हैं। कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, तो ये ज़रा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो फिर हम पकोड़े तलना जो है वो स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसका फ्लेम थोड़ा सा हल्का करेंगे और अब हम अपने जो पकोड़े हैं वो तलने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारा घी जो है वो मुकम्मल तौर पर गर्म नहीं है, देखिए अब ऊपर आ गया है पकोड़ा, इसका मतलब है कि तैयार है घी। ऐसे करके हम लाइट फ्लेम में पकोड़े तल लेंगे ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो कच्चे भी ना रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए जी पकोड़े बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी पकोड़े हमारे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं। जल्दी से जाइए, बनाइए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए।